सूरत बढ़ते ही चोरों ने बाइक व अन्य वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते घरोंडा पुलिस ने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों व विभिन्न चौकों पर पिछले काफी समय से नाकेबंदी की हुई है। पुलिस ने नाके के दौरान चोरा लालपुरा मार्ग से घरोंडा के एक चोर को मोटरसाइकिल के साथ काबू किया, जिसने पूछताछ के दौरान अन्य बाइक चोरी करने की भी बात कबूल ली। पुलिस ने पांचों बाइकों को विभिन्न स्थानों से बरामद किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कोहंड अलीपुर खालसा रोड से गत दिनों त्रिवेणी कांटे के पास खड़े एक ट्रक से चोरी हुए स्टेपनी सहित चार टायरों को भी आरोपियों के साथ बरामद किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन दिन पूर्व कोहंड अलीपुर रोड पर त्रिवेणी धर्म कांटे के पास से खड़े ट्रक के स्टेपनी सहित चार टायर चोरी कर लिए गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने चार युवकों को टायरों सहित हिरासत में लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। ऐसे हमारे 28 तारीख को 28 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक रात को ट्रक मालिक अपना ट्रक खड़ा करके गया और सुबह आया तो उसके चार टायर और भी गायब थे, नए टायर थे और जिनकी कीमत लगभग 90,000 रुपये थी। और वो टायर उसी की पूछताछ में या उसमें जांच जारी थी, जिसमें एक मुखबर या उसमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ ये चोर है जो चोरी करने वाले ऐसे ऐसे वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया चार आदमियों को। चारों से पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि टायर उन्होंने चोरी किया और जहाँ उन्होंने छुपाए थे मौके पर जाके चारों टायर बरामद हो गए, टायर और बरामद हो गए और उन्हें कल अदालत में पेश किया गया था। एक दिन के रिमांड पर थे, वो बरामदगी करके आज उन्हें कोर्ट में छोड़ दिया। इसके अलावा और भी कोई चीज को चोरी वगैरह में नाम है? हाँ, इससे पहले इनका पहले चोरी में नाम है, एक कपड़ों की दुकान या कुछ पानीपत में ऐसे बताया जिस चोरी में इनका पहले से लिखते थे और उन्हीं में से दो लड़के दोबारा उसी चोरी में। तो वहाँ पिछले चोरी में भी कोई बरामदगी वगैरह? हाँ, पहले चोरी में इनसे बरामदगी हुई है, जो ये मामला पानीपत पे था। थाना प्रभारी घरोंडा ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लगाई गई नाकेबंदी के दौरान पांच चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पांच बाइक व ट्रक के टायर बरामद किए गए। पांच चोरों को न्यायालय में पेश कर कार्रवाई शुरू कर दी है।